I'm Shilpa Shetty Kundra, and this is The Art of Balance. क्वाड्रुप्ट पोजीशन में आ जाएं। आपके नीज साथ में हो सकते हैं या थोड़ा अलग हो सकते हैं। ये शुरुआती पोजीशन है। सांस लें और अपनी स्पाइन की आंच को रेज करें, जिससे मिड और लोअर बैक फ्लोर की तरफ सिंक हो जाएं। चिन को टक इन कर लें, मिड और लोअर बैक को ऊपर की तरफ पुश करें और टेलबोन को अंदर टक इन कर ले सांस छोड़ते समय। पूरे मूवमेंट के दौरान अपने शोल्डर ब्लेड्स को कानों से दूर रखें। ध्यान रखें कि वजन चारों पॉइंट्स पर बराबर हो। अपना टॉर्सो आगे पीछे ना हिलाएं। अपनी सांस को रोकें। अपनी नेक या शोल्डर या फेस को टाइटन ना करें। एक्सटेंड करते समय आपको फिंगर टिप्स में एक्टिवेशन महसूस होगी, ताकि सिर्फ रिस्ट पर वजन ना आए। स्क्वाट पोजीशन में बैठे, जहां आपके फीट 2 फीट अपार्ट हो। अपने फीट के इन स्टेप्स को पकड़े, अपनी उंगलियों को तलवों के नीचे रखकर अपने अंगूठे ऊपर रखें। अपर आर्म्स को नीज के इनसाइड पर प्रेस करें। एल्बोस थोड़े बेंड होने चाहिए। सांस छोड़ते हुए घुटनों को सीधा करें, बटक्स को उठाएं और सर को आगे घुटनों की तरफ ले जाएं। अपनी स्पाइन को ज्यादा स्ट्रेन न दें। सांस लेते हुए घुटनों को झुकाएं, स्टार्टिंग पोजीशन में लौटकर आराम करें। ये 1 राउंड है। घुटने सीधे करते वक्त बैलेंस बनाए रखें। अपने कंफर्ट के अनुसार बैठकर घुटने सीधे करें। अगर आपको किसी भी प्रकार का घुटने का दर्द है, तो इस आसन को ना करें। अपने पैर एक साथ रखें, खड़े हो जाइए, बैक सीधी रखिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ आगे से उठाइए, घुटने सीधे रखते हुए आगे की तरफ झुकिए, मिड बैक से लीड करते हुए और कमर से लेंथन करते हुए। एक बार आप बेंड हो गए, पैर सीधे रखिए, नीस मत बेंड करें। सांस लेते हुए और ज्यादा नीचे झुकने की कोशिश करिए और हर बार सांस छोड़ते हुए अपनी टोज को छूने की कोशिश करिए। सांस छोड़ते हुए हाथ को अपनी थाइस के पास नीचे ले आएं। फाइनल पोस्चर में इवन ब्रीदिंग मेंटेन करिए। जमीन पर बैठे, दोनों पैर सीधे हो वी पोजीशन में, फीट फ्लेक्स्ड रखें। अपने घुटने सीधे रखें,
लेकिन उन्हें जॉइंट पे थोड़ा बेंड करें। सांस लें, स्ट्रेच करते वक्त एक्सहेल करें, इनहेल पे होल्ड करें, लेफ्ट पे स्ट्रेच करें। सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट को लेफ्ट में गहरा करें। अपने स्ट्रेच्ड हाथ के ऊपर देखें। सांस अंदर लेते हुए सेंटर में लौट आए। सांस छोड़ते हुए अपने ट्रंक को राइट की तरफ ट्विस्ट करें। अपने स्ट्रेच्ड हाथ की तरफ देखें। धीरे धीरे शुरू करें और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। याद रखें कि आपके फीट को हमेशा फ्लेक्स्ड रखें। ट्विस्ट करते वक्त अपने कंधों को कानों से दूर रखें और गर्दन को लंबी रखें। हमेशा एक सीधी लाइन में अपने दोनों आर्म्स को रखें। हमेशा स्पाइन का टॉल पोस्चर रखें हर ट्विस्ट में। ट्विस्ट को मिड बैक में महसूस करें। सीधे लेट जाइए अपनी पीठ पर। पैर और पांव एक साथ रखें। अपने हाथों को शोल्डर्स के लेवल पर साइड से ऊपर ले आएं। पाम्स नीचे की तरफ होने चाहिए। अपना राइट पैर बेंड करिए और अपने लेफ्ट नी कैप के पास अपने पैर की सोल को रखें। धीरे धीरे अपने राइट पैर को क्रॉस ओवर करिए जमीन पे। अपनी बॉडी के लेफ्ट की तरफ अपने लेफ्ट हाथ की मदद से अपने राइट नी को जमीन की तरफ झुकाएं। जब तक कंफर्टेबल हो इस पोजीशन को होल्ड करें। फिर शुरुआती पोजीशन में वापस आ जाइए, सर और घुटने को सेंटर में लाकर। अगले तरफ भी यही दोहराएं। फिर शुरुआती पोजीशन में वापस आ जाइए, सर और घुटने को सेंटर में लाकर। सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं।
अपनी पीठ सीधी रखें, ध्यान मुद्रा में हाथ अपनी थाइस पर रखें, अपनी आंखें और मुंह बंद कर लें और सांस को नॉर्मल तरीके से लेते रहें। गहरी सांस लें, धीरे लें और शांति से लें, जब तक आपके लंग्स में मैक्सिमम हवा ना भर जाए। फिर धीरे धीरे शांति से और पूरी तरह से सांस छोड़ें। फिर अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़कर उन्हें अपनी आंखों पर रखें। गर्माहट महसूस करें, आंखें खोलें और रिलैक्स करें। Yay, and there is good news. We are halfway there. Stay positive, determined and committed to your health goal and get the most out of this wonderful body. सुखासन या पद्मासन में कंफर्टेबल रूप से बैठें, अपनी उंगलियों से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अपनी इंडेक्स और मिडिल फिंगर को अपने पाम की तरफ दबाएं, अपनी उंगलियों से प्राणायाम मुद्रा बनाएं, अपने राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे और गहरी सांस लें, जब तक आपके लंग्स में मैक्सिमम हवा ना भर जाए। राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को छोड़ें। ये एक साइकिल है। फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लें और राइट से सांस छोड़ें। इस प्रक्रिया को कुछ काउंट्स तक दोहराएं। किसी भी आरामदायक ध्यान आसन में बैठे, प्रेफरेबली पद्मासन। जो लोग ध्यान आसन में नहीं बैठ सकते, वो एक दीवार के साथ बैठ सकते हैं, जहां पर पैर सीधे रखे या फिर एक सीधी कुर्सी में बैठ सकते हैं। सर और स्पाइन को सीधा रखें। आपके हाथ नसग्र मुद्र स्थिति में होने चाहिए। आपके हाथ नो स्टिप पोजिशन में होने चाहिए। राइट हाथ की फिंगर्स को चेहरे के सामने रखें, इंडेक्स को मिडिल फिंगर्स को आईब्रोज के बीच में रखें, दोनों फिंगर्स रिलैक्स्ड रखें, थंब राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर होना चाहिए और रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल के ऊपर। राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें और लेफ्ट नाक से सांस अंदर लें। उसी समय गिनती करें मन से, एक, दो, तीन, या जब तक सांस आराम से अंदर लेते हैं। ज्यादा स्ट्रेन न करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद करें, राइट नाक के ऊपर के दबाव को छोड़ दें और साथ ही लेफ्ट नाक से सांस छोड़ते हुए गिनती करें, एक, दो, तीन। सांस लेने और छोड़ने का समय बराबर होना चाहिए।
कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, अपने स्पाइन को सीधा रखें, अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे से अपने ईयरलिड्स को अपने इंडेक्स फिंगर से बंद करें। गहरी सांस लेते हुए अंदर से सांस को बाहर छोड़ते हुए एक भ्रमर की तरह तेज आवाज में हमिंग करें। सांस छोड़ने के बाद गहरी सांस लें और यही प्रक्रिया दोहराएं। अपनी बैक सीधी रखें, लेकिन इस पोजीशन में रिलैक्स्ड फील करें। अपने हाथ ध्यानाची मुद्र में नाभि के पास रखें। आंखें और मुंह बंद कर लें और नॉर्मली ब्रीथ करते रहें। सांस लें और सांस छोड़ते समय ओम बोलें। जब आप तीन बार ओम बोले, अपने हाथ जोड़कर तीन बार शांति बोले। ओम शांति शांति शांति। अब अपने पाम्स को एक दूसरे से रब करें और उन्हें अपनी आंखों पर रखें। गर्माहट को फील करें। आंखें खोलें और रिलैक्स करें। आत्म नमस्ते। होप दिस हेल्प्ड यू अचीव योर पीस ऑफ माइंड। इट्स टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो।